हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं रश्मि स्टाइल ब्यूटी। आज हम शेयर करने वाले हैं कि लेमन से आप स्किन वाइटनिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे छाइयां हो, झुर्रियां हो, पिंपल्स, डार्क स्पॉट, रिंकल्स, इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक लेमन लिया है, इसको हम कट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें कट कर लेना है। लेमन में विटामिन सी पाए जाते हैं, स्किन को ब्लीच करने का काम करता है, स्किन को निखारने का काम करता है, स्किन को स्पॉटलेस और ग्लोइंग बनाता है। इसके हम रस को निकाल लेंगे। इसे हमें फेंकना नहीं है, इसी से हमें मसाज करना है। अब इसमें हम एक चम्मच मिल्क डालेंगे। अगर आपके फेस पे मिल्क नहीं सूट करता है तो इसकी जगह रोज़ वाटर भी ऐड कर सकती हैं। अब इसमें हम चुटकी भर कस्तूरी हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। लीजिए, बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हम अप्लाई करेंगे। इसे हमें 10 मिनट तक मसाज करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से ही करना है, ज़्यादा रगड़ के नहीं करना है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन को फेयर बनाता है, रेडियंट बनाता है, स्किन को टाइटन अप करता है। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हो, कालापन, रिंकल्स, पिंपल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ, सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये बहुत ही बेस्ट होता है। हमें अच्छे से मसाज कर लेना है। दस मिनट हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे। इसके बाद हमें नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। मैंने यहाँ पर देखिए फेस को वॉश कर लिया है। वाओ, मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। अगर आप भी ऐसा ही ग्लो पाना चाहती हैं तो आप इसे हफ्ते में 2 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक ही हफ्ते में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू।